सो हेक्शर ओलन थेरी के एजम्पशंस को सीखने के बाद अब थोड़ा सा आगे चलते हैं उन कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो हमें मदद देंगी हेक्शर ओलन थ्योरम को समझने में। और उन कॉन्सेप्ट्स में से पहला कॉन्सेप्ट है फैक्टर इंटेंसिटी का। जब हम लोग एजम्पशंस को पढ़ रहे थे हेक्शर ओलन के, वहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म यूज़ की थी लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। ये बेसिकली फैक्टर इंटेंसिटी उसी चीज़ को समझने के लिए और उसको मज़ीद डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को पहले हम सीखेंगे। वाई इज कैपिटल इंटेंसिव इफ के ओवर एल, के मीन्स यहाँ पे कैपिटल लिया जा रहा है और एल मीन्स यहाँ पे लेबर ली जा रही है। सो वाई इज कैपिटल इंटेंसिव इफ कैपिटल ओवर लेबर रेशियो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई इज ग्रेटर देन द कैपिटल ओवर लेबर रेशियो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। इसको पहले एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, फिर इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं कि ये रेशियो की तरफ क्यों जा रहे हैं हम। अज्यूम 2K एंड 2L आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाई, देन कैपिटल ओवर लेबर रेशियो इज 1। तो दो कैपिटल और दो लेबर रिक्वायर्ड हों तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास कैपिटल ओवर लेबर रेशियो जो आती है वाई गुड के लिए दैट इज 1। अब दूसरी साइड पे हम ये ज्यूम करते हैं कि 1 कैपिटल एंड 4 लेबर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो कैपिटल ओवर लेबर रेशियो बनेगी दैट इज 1/4। अब हम ये देख सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन 1/4, तो कैपिटल ओवर लेबर रेशियो जो हम लोगों ने यहाँ पे ज्यूम की है 1 है वाई की, ये वाई को हम स्टडी कर रहे हैं और एक्स की कितनी है 1/4। तो हम ये कह सकते हैं कि वाई गुड इज कैपिटल इंटेंसिव क्योंकि ये रेशियो जो है कैपिटल ओवर लेबर की वो बड़ी है किसके लिए, वाई के लिए, जबकि एक्स के लिए दैट इज जस्ट 0.25 या 1/4। अब इंटेंसिटी को समझने के लिए ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर कैपिटल और लेबर को नहीं देख रहे। अब एब्सोल्यूट फॉर्म से क्या मुराद है? एब्सोल्यूट फॉर्म से मुराद ये होता है कि हम जस्ट एक फैक्टर की बात करें, सिर्फ कैपिटल की या सिर्फ लेबर की। हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास सपोज वाई चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर 1 कैपिटल रिक्वायर है और एक्स चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल 5 कैपिटल रिक्वायर है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि एक्स जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, अनलेस हम लोग लेबर को भी इंक्लूड ना कर लें। अब इसकी एग्जांपल जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है कि हम हमेशा रिलेटिव फॉर्म के अंदर स्टडी करेंगे कैपिटल ओवर लेबर रेशियो या फैक्टर इंटेंसिटी को, इसको समझने के लिए हम ये बात करते हैं सपोज इफ 3 कैपिटल एंड 12 लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड ओनली 2 कैपिटल एंड 2 लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, सो इन दैट केस व्हाट विल बी द फैक्टर इंटेंसिटी। अब यहाँ पे एक्स क्या है और वाई क्या है, क्या हम इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह सकते हैं कि एक्स जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है क्योंकि ज़्यादा कैपिटल यूज़ हो रहा है एक्स की प्रोडक्शन के अंदर, और वाई को हम कह सकते हैं कि वो लेबर इंटेंसिव है क्योंकि कम कैपिटल यूज़ हो रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई? नो, जब तक हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे विद द अदर फैक्टर हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। तो हमें क्या चाहिए कि हम कैपिटल ओवर लेबर रेशियो निकालें। तो सबसे पहले एक्स के लिए कैपिटल ओवर लेबर रेशियो निकाली जाती है दैट इज 3K ओवर 12L।
तो अगर आप या सिंपली 3/12 कैपिटल ओवर लेबर रेशो, तो अगर आप इसको देखें सॉल्व करें तो दैट इज 1/4। अल्टीमेटली ये वही चीज है जो हम लोगों ने पिछली एग्जाम्पल में देखी थी, कैपिटल ओवर लेबर रेशियो इज 1/4। तो कंपैरेटिवली जब हम वाई की बात करते हैं, वाई इज कैपिटल ओवर लेबर रेशियो, अगर वाई की निकालें दैट इज 2/2 और 1। तो इस केस के अंदर वंस अगेन जो एक्स है वो लेबर इंटेंसिव ही बन रहा है, क्योंकि कैपिटल ओवर लेबर रेशियो अभी भी जो एक्स चीज की प्रोडक्शन के अंदर है वो कम है। तो इस एग्जाम्पल के साथ हमें ये चीज भी पता चल गई, पहली फैक्टर इंटेंसिटी क्या होती है, और दूसरी ये कि हमने हमेशा फैक्टर इंटेंसिटी को रिलेटिव फॉर्म के अंदर या कैपिटल ओवर लेबर रेशियो की फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन करना है। और एक और चीज भी देख लें, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो अभी तक कैपिटल ओवर लेबर रेशियो के हिसाब से पढ़ा है। ये भी पॉसिबल है, ये भी आप कर सकते हैं अगर आप इसको रिवर्स कर लें, यानी कि लेबर ओवर कैपिटल रेशियो के हिसाब से इसको स्टडी कर सकते हैं। सपोज अगर आप इसको उल्टा दें, कैपिटल ओवर लेबर की बजाय लेबर ओवर कैपिटल कर दें, तो आपके पास एक्स के लिए लेबर ओवर कैपिटल वुड बी 4, जबकि वाई के लिए लेबर ओवर कैपिटल वुड बी जस्ट 1। तो इस केस के अंदर देखें कि एक्स चीज के अंदर जो लेबर इंटेंसिटी है वो ज़्यादा आ रही है, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 1 जब आपने लेबर ओवर कैपिटल रेशियो को फाइंड आउट किया। तो लेबर ज़्यादा यूज हो रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स देन द प्रोडक्शन ऑफ वाई। तो यही चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे और इसको नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से भी एक्सप्लेन करेंगे कि इंटेंसिटी किस तरीके से एक डायग्राम के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपने कोई कॉन्सेप्ट देखना है या सीखना है इकोनॉमिक्स के अंदर, मोस्टली आपको डायग्राम्स के थ्रू समझ आता है ज़्यादा क्लियरली।